अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू आवर चैनल एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आई एम अनबॉक्सिंग रिमेनिंग कोड ऑफ मारिया बी एम्ब्रॉयडर्ड और ये है इसका हिट कोड। डोंट नो इसका एंड कार्ड कहाँ, ये वाला D1, लेट्स सी हाउ इज इट। अच्छा जी, इसका जो है सबसे पहले तो ये सैटिन सिल्क का फैब्रिक दिया हुआ है, जिसके जो मेंशन नहीं है कि कितना है, लेकिन अराउंड 5 यार्ड या उससे ज़्यादा जो है। उसके बाद इसके सेंटर के पैनल हैं ऑर्गेंजा के हैं, ये लग रहा था कि वेलवेट है बट ये वेलवेट नहीं है। इसका काम जो है ऑलमोस्ट उस तरह का है जैसे रेड वाले जोड़े के ऊपर काम है, डायमंड टीज और अच्छा काम है। बट इशू ये है, ये शायद वीडियो में फ़र्क ना नज़र आ रहा हो, इस ड्रेस इस वाली जगह पर जो एप्लिक हुआ हुआ है हुई है वेलवेट, वो डार्कर शेड है और इस साइड पे लाइट शेड है। अब ये मुझे कंफर्म करना, बिकॉज ज़ाहिर है मैंने भी अभी खोला है तो आई हैव नो आइडिया कि सबके पास ऐसा आया है। ये हमारे पास ये प्रॉब्लम ही आ रही है कि एक साइड पे डार्क है और एक साइड पे लाइट है। स्टिच होने के बाद इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पता चलेगा, बट ये कि मैं सामने देख रही हूँ तो इसके अंदर थोड़ा फ़र्क है। और डिज़ाइनर्स अजीब काम करते हैं, यानी वेलवेट एप्लिक जो हुई है एक साइड डार्क और एक साइड लाइट। ये इसके सेंटर की पैनल है और फुली हैंड एम्बेलिश्ड और पूरा जो है इसका मतलब अच्छा काम हुआ है। ये इसके साइड के पैनल्स हैं दो, यानी कि इसके बराबर में आएंगे और ये जस्ट ऑर्गेन्जा के हैं। काम इसका इस तरीके का है, अच्छे पर्ल गोटा डायमंडीज की टचिंग हुई है तो ये अच्छा है। कलर्स का खूबसूरत है, पिक्चर में जिस तरीके का लग रहा है ऑलमोस्ट वैसा ही जो है इसका वो है कलर। अच्छा, उसके बाद है इसका दामन का बॉर्डर, ये फ्रंट का, और इसका काम काफ़ी अच्छा है। साइड से इन्होंने एम्बेलिशमेंट नहीं की हुई, यानी कि यहाँ से लेकर इतना ये यूज़ होगा। इसके ऊपर जो है आई होप कि काम क्लियर नज़र आ रहा हो। ये इस तरह का जो है वो रेड वाले ड्रेस के ऊपर भी काम था, बाकायदा ये बटन्स के तौर पर भी यूज़ होते हैं ये वाले, और डायमंडीज अच्छा काम है इसका, और वेलवेट का बॉर्डर है ये, तो ये बॉर्डर दामन का जो है वो एप्लीक होगा। उसके बाद है इसकी बॉडी, बॉडी जो है इसकी वेलवेट की है, ये साथ जुड़ेगी तो इसका काम अच्छा हो जाएगा। और इसका भी काम वैसे ही है ऑलमोस्ट जैसे उसका है, जैसे बॉर्डर का है, गोटे का काम है और ये सारा डायमंडीज और पर्ल दो शेड के, लाइट एंड डार्क गोटा और इस तरीके से, तो अच्छा है ये। उसके बाद है इसकी स्लीव्स वेलवेट की, और वेलवेट का भी इसके ऊपर भी सारी जो है टचिंग बहुत अच्छी टचिंग हुई हुई है कि छोटे छोटे गोटे के फूल, छोटे छोटे पर्ल और अच्छी क्वालिटी के पर्ल और ये सारे नग्स। ऑलरेडी वेलवेट जो है वो हैवी होता है और इसके बाद जो है इन्होंने ये जो नग वगैरह लगाए हुए तो इससे काफ़ी ज़्यादा वजनी हो रहा है। इस वाले शेड का ये देखें, एक ये शेड है और एक ये शेड है, थोड़ा थोड़ा फ़र्क है। तो इन्होंने एक एप्लीक इससे किया हुआ और एक जो है ऐसे किया हुआ, इससे बड़ी कोशिश की हमने पिक्चर्स की और वीडियो की, लेकिन कलर जो है वो पिक्चर में फ़र्क नज़र नहीं आ रहा। अच्छा, ये पूरा हो गया फ्रंट। उसके बाद ये है बैक का वेलवेट। अब मैं इसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ने की कोशिश करती हूँ कि बाकी चीज़ें हैं कहाँ की। अच्छा, ये है स्लीव्स के बंचेस और ये भी सारा एक वेलवेट एप्लीक करके बंचेस बनाए हुए, ये सारे एप्लीक होंगे इस तरीके से। तो स्लीव्स वैसे ही बहुत हैवी हैं। उसके बाद जो है ये इन्होंने काफ़ी हैवी बॉर्डर्स दिए हुए हैं और इतनी सी मोरी तक जो है वो हैंड एम्बेलिशमेंट हुई हुई है, लेकिन अच्छा काम है इसका। इवन ये इस तरह का जो सितारा लगा होता है नॉर्मली वो बहुत गंदा लग रहा होता है, लेकिन इसके ऊपर इन्होंने मोती लगाया हुआ है तो ये बहुत अच्छा लग रहा है, उसकी वजह से उसका लुक ही बिल्कुल डिफरेंट हो गया। तो स्लीव्स मैंने ऑलरेडी दिखा दी थी और ये स्लीव्स का जो है वेलवेट का बॉर्डर हो गया। बैक बिल्कुल प्लेन है। अब ये है कि बैक का लेकिन बॉर्डर है, अच्छा बैक का ये बॉर्डर है, इसके वेलवेट का है, इसके ऊपर वेट तो नहीं है, फ्रंट के ऊपर जो है वो काफ़ी ज़्यादा वेट होगा, बट ये कि बैक का वेलवेट का बॉर्डर दिया हुआ है। अच्छा, ये ऑर्गेन्जा है जो उन्होंने ये वाला जो ये जो वेलवेट है ये सारी ये बंचेस निकाल के इसकी जगह पर ऑर्गेन्जा एप्लीक होगा। तो मेरा तो ख्याल है कि इतना ज़्यादा वेट जो है उसको वेलवेट ही रहने दें, बिकॉज़ ये लटक जाएगा ऑर्गेन्जा ना। तो इसका फ्रंट एंड बैक और स्लीव्स हो गई। उसके बाद ये जो है इसका गाउन है या लहंगा है, इस पर तो उन्होंने लहंगा बनाया हुआ है। लहंगे का जो काइंड ऑफ बॉर्डर है, यानी कि हाफ के बाद या नी से भी नीचे जो है ये वाला बॉर्डर लगा हुआ है, तो ये
बनारसी टाइप का कपड़ा है। और उसके बाद है इसकी शॉल, अच्छा मरून कलर की इसकी जो है शॉल है, और इसके बॉर्डर्स काफ़ी अच्छे बने हुए हैं और ज़री एंड रेशम का काम है, काफ़ी नीट और खूबसूरत। उसके बाद हैं इसके डेफिनेटली पल्लों के बॉर्डर्स। हाँ राइट, ये इसके पल्लों के बॉर्डर्स हैं, और फिर ये हैं इसके शॉल का सेंटर का बंच, ये काफ़ी बड़ा सा बंच है, और ये जो है एप्लिक होगा। तो शॉल अच्छी खूबसूरत है और कंट्रास्ट वैसे ड्रेस का जो है वो अच्छा है। आई होप आई एम नॉट मिसिंग एनी थिंग। तो अच्छा ड्रेस है मगर हिट कोड है, बट मुझे जो पर्सनली पसंद बहुत ज़्यादा आए थे वो जो मैंने लॉन्ग वीडियो में बता दिए थे, ये भी अच्छा है बट ऐसा नहीं है कि वर्ल्ड का आखिरी पीस है। बाकी आप सबको कैसा लगा कमेंट्स में बताइएगा, एंड वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अच्छा एक चीज़ मैं और बता दूँ, सॉरी शुक्र है मुझे अभी ख्याल आ गया, ये बैक की बॉडी का कपड़ा। सो आई होप आई एम नॉट मिसिंग एनी थिंग, अगर मिस किया तो एक्सक्यूज़ कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।